टाइल्स में बहुत से प्रकार की साइज आती है। साइज की बात करें 18-12, 24-12, 2x2, 4x2, 32x32, सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से कस्टमर का कमेंट रहते हैं, कॉल्स रहते हैं कि बड़ी साइज पर वीडियो बनाइए, और बड़ी साइज बताने का हमें प्रयास करिए टाइल्स में और कौन कौन सी बड़ी साइज आते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज मिनारिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जैसा लाल प्यार मिल रहा है। आशा करूँगा इसी प्रकार का आपका लाल प्यार मुझ पर हमेशा बना रहे और आगे भी इसी प्रकार का लाल प्यार मिलता रहे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। बात करते हैं आज सबसे बड़ी साइज के टाइल्स के ऊपर। जी हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी साइज में टाइल्स में बहुत बड़ी बड़ी साइज टाइल्स में आने लगी हैं। लेकिन आज बात करेंगे अपन 64x32 के बारे में, जैसा आपको सामने दिख रहा है इस टाइम से, मेरे शायद मेरे से बराबर की टाइल्स है 64x32। आप देख सकते हैं पूरे टाइल्स स्टैंड पे डिस्प्ले में लगी हुई टाइल्स, आप देख सकते हैं 64x32 की ये साइज है। ऑनेक्स पैटर्न में साइज है, इसमें बहुत से प्रकार के कलर्स आते हैं, बहुत से प्रकार के पैटर्न आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये ग्लॉस है, इसमें मैट भी आता है। मैं आपको एक मैट का भी एक डिस्प्ले बताता हूँ, सैंपल बताता हूँ। ये देखिए 64x32 में ये मैट टाइल्स है, ग्लोसी और मैट आज दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी बहुत से कलर है। ये ग्रे कलर आपको दिख रहा है स्टोन पैटर्न में, जीवीटी मैट फिनिश, और जो ग्लोस में दिख रही है आपको ये PGVT टाइल्स। दोनों टाइल्स की ये बड़ी साइज आपको मार्केट में बहुत कम जगह मिलेगी, क्योंकि बड़ी टाइल्स मार्केट में फ्लोरिंग में लगाते बहुत, शहर में अगर अपन चलते हैं बहुत बड़े बड़े महानगर में, जहाँ मुंबई दिल्ली वहाँ तो लगती हैं, लेकिन जब गांव में अपन आते हैं तो वहाँ इस प्रकार की टाइल्स बहुत कम लगती हैं। इसका प्रमुख कारण है जिस तरह से ये टाइल्स लगानी चाहिए वो टेक्नोलॉजी अभी तक गांव के अभी तक जो मिस्त्री लगाते हैं उनके पास आई नहीं है, क्योंकि इस टाइल्स को लगाने के लिए कम से कम 2 मिस्त्री की ज़रूरत रहती है और 4 जने होकर इस टाइल्स को गांव में लगाते हैं, मैंने एक जगह देखा है, क्योंकि टाइल्स वेट में भी ज़्यादा है। उसको एक बार उठाना, एक टाइल्स को सेट करने के लिए कम से कम 2 या 4 बार उठाना पड़ता है, जब कम ज़्यादा मटेरियल आए तो वापस उसको लगाना पड़ता है। ये टाइल्स अगर आप लगाते हो तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, आप अच्छे मिस्त्री से काम करवाएं, क्योंकि बड़ी साइज की टाइल्स है, अगर नीचे मटेरियल अगर सही नहीं रहा तो हो सकती है ये टाइल्स नीचे से पोली रह सकती है, यानी कि जगह रह सकती है, तो कुछ समय बाद उस टाइल्स में खालीपन आ सकता है, टाइल्स टूटने की शक्यता रहती है। जब भी आप बड़ी साइज की टाइल्स लगाते हैं तो अच्छे मिस्त्री को ही आप अपने ये टाइल्स लगवाने का काम दें, जो अपने जो टाइल्स लगाने का है, क्योंकि बड़ी साइज अमूमन बहुत सी जगह पे 2x2 और 64x32 की टाइल्स नीचे से खुली रह जाती है, तो ये बड़ी साइज की टाइल्स हैं। और ये मार्केट में क्यों आई, ये ओनक्स पैटर्न में, क्योंकि ओनक्स पैटर्न में टाइल्स इसलिए निकाली कि मार्बल के जो स्लेब आते हैं वो ओनक्स पैटर्न, जैसे इसकी रेट में आपको बता दूँ 64x32 की, ये 80 रुपये फीट मिलती हैं, जबकि मार्बल में इस प्रकार का अगर आप ओनक्स पैटर्न लेने जाओगे तो आपको कम से कम 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये फीट तक आपको ये मिलेगी। इसलिए उसके कंपेरेटिव में इसको टाइल्स को निकाला गया है ताकि आपको मार्बल जैसा ही लुक दिखे। देख सकते हैं इसमें बहुत से प्रकार की डिजाइन आती है, जैसा इटालियन पैटर्न आप चाहोगे वैसा इटालियन पैटर्न आपको इस टाइल्स में मिल जाएगा। इसकी अपन थिकनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 से 12 mm इसकी थिकनेस है दोनों टाइल्स की, आप देख सकते हैं ये GVT मैट फिनिश है और PGVT हाई ग्लॉस टाइल्स दोनों आप देख सकते हैं, 64x32 की साइज है, मैट फिनिश भी आप लगा सकते हैं, इसकी कटिंग कर आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं, आप एलिवेशन में दे सकते हैं। ये टाइल्स लगवाते समय आप इसके अंदर स्पेसर जरूर लगाएं, 4 mm 3 mm स्पेसर जरूर लगाएं, क्योंकि जितनी बड़ी टाइल्स की साइज होगी बेंड आना स्वाभाविक है और आएगा, ऐसा ना हो कि आप लाए और फिर आपने ऐसे ही लगा दिया तो फिर हो सकता है कि कुछ समय बाद टाइल्स अपनी जगह छोड़े और फिर टाइल्स लूज़ हो जाए और फिर कुछ समय बाद अचानक अगर कहीं नीचे से जगह रही वो पैर लगे या फिर कोई सामग्री वहाँ पर गिरे और टाइल्स टूट जाए, इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एपोक्सी में ये लगवाएं, 4 mm 3 mm स्पेसर जो आपको पसंद आए वो भरिए, और एपोक्सी अगर आपको भरनी है तो आप टाइल्स के अकॉर्डिंग आप एपोक्सी भर सकते हैं, जैसे भी मनपसंद आपको कलर हो तो आप वहाँ से देखते हैं। एपोक्सी के बारे में अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा सकते हैं कि एपोक्सी कौन सी भरनी है और कैसे भरते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।